हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। पानीपत में नगर निगम के अधिकारियों पर पार्क के सौंदर्यकरण को लेकर घोटाले के आरोप लगे हैं। शिवनगर कॉलोनी के लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से यहां बने पार्क का सौंदर्यकरण किया जाना था, जो कागजों में तो हो गया लेकिन हकीकत कुछ और ही है। लोगों के मुताबिक इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए लगभग 90 लाख रुपए की पेमेंट हो चुकी है, लेकिन यहां पर कोई काम नहीं हुआ। कॉलोनी वासियों ने बताया कि इस पार्क में इम्पोर्टेड घास, 40 तरह के फूल और पूरे पार्क में लाइट लगाकर इसको जगमग किया जाना था, लेकिन यहां इस तरह का कुछ भी काम नहीं किया गया। आलम यह है कि पार्क धीरे धीरे असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। लोगों का आरोप है कि यह घोटाला पार्षद, मेयर और निगम अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ। ...2017 में चालू हुआ था इसका काम और 18 तक पूरा हो जाना था, मगर ये अधूरे में ही रह गया है पार्क। इसमें ओपन जिम भी लगनी थी, 40 प्रकार के फूल लगने थे और गन्नौर से इम्पोर्टेड घास आनी थी, वो लगनी थी, मगर इसमें सिर्फ भरत करा के ठेकेदार ने बिल्कुल कंप्लीट दिखा दिया और नगर निगम की फाइलों में भी एक काम, इस पार्क का काम को पूरा दिखा दिया। इतने बड़े पार्क में सिर्फ दो ही लाइटें लगाई और वो भी नकली लाइटें हैं, और इसकी जो ठेकेदार से जो हमारी बात हुई तो ठेकेदार कहता है कि मेरे को निगम ने पेमेंट नहीं दी, और जो हमारे एमसी साहब अशोक सापड़ा वो कहते हैं कि मेयर जी जो इसके अवनीत कौर जी है और ये आपस में मिलके इस पार्क का पैसा गबन कर चुके हैं। निगम की फाइलों में इसमें झूले भी लगा दिए, पंजिम भी होगी, फूल भी लगा दिए, सारा मतलब ट्यूबवेल भी चालू कर दिए, सारा कुछ दिखाया, अभी तक ट्यूबवेल भी चालू नहीं। अब कम से कम ट्यूबवेल को 6 महीने हो गया है, ट्यूबवेल का ना पानी चालू, ना इसमें फुहारे लगे, ना कुछ भी नहीं लगा जी। और जो इसका विकास ठेकेदार है उससे भी हमारी बातें होती है, वो भी हमारे को कम से कम 2 साल से गोली दे रहा है।